हेलो गैज, मैं विकास आपका दोस्त स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंडियन क्रिप्टो आईसी में। गैज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्लॉकी इनू और टॉप अल्ट क्वाइन के बारे में कि आपको ये क्वाइन होल्ड करना चाहिए यदि आपको 2024-25 की बुल रन में अच्छा प्रॉफिट पाना है तो, और साथ में मार्केट की बात करने वाले हैं। तो चलिए फाइनली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ क्रिप्टो के रिगार्डिंग छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी अपडेट्स देता रहता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले ईद और परशुराम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं संपूर्ण देशवासियों को। तो दोस्त, सबसे पहले हम मार्केट की बात करते हैं। अगर जे क्रिप्टो मार्केट कैप की बात कर ली जाए तो 1.15 ट्रिलियन का हो चुका है। 2 से 3 दिनों के अंदर में आप देख सकते हैं कि कितना मार्केट जो है डाउन चला गया है। अगर जो पिछले 24 घंटे की हम बात कर लें तो 3.29% की डाउनफॉल पूरा क्रिप्टो मार्केट कैप दिखा रहा है। बिटकॉइन की बात कर ली जाए तो बिटकॉइन एक समय पे यहाँ पे 24,000-26,000 के लेवल से 28,000 पहुँचा, 28,000 से 30,000 और 30,000 से 31,000 समथिंग कुछ डॉलर तक चला गया था इसकी प्राइस, लेकिन यहाँ से एकाएक जो है ये डाउन आ गया। अभी आपको 27,100 डॉलर के लेवल को भी टच कर दिया है। ये अपना 28,000 डॉलर वाला जो पोजीशन था उसको ब्रेक कर दिया है, और इसको ब्रेक किया है तो 26,000 वाले को भी ये ब्रेक कर सकता है, या फिर 26,000 वाले लेवल तक ये क्वाइन जा सकता है। BTC अभी के समय में 27,200-250 डॉलर पे ट्रेड कर रहा है। पिछले 7 दिन का डाटा हम आपको यहाँ पे दे तो ये क्वाइन लगभग 10% की डाउनफॉल दिखाने लगी है पिछले 7 दिनों में। इथेरियम की बात कर ली जाए तो पुराने प्राइस पे वापस ये आ गया है, 1854 डॉलर पे वापस ये आ गया है। ये आपको लगभग 2100 समथिंग कुछ डॉलर तक चला गया था, और पिछले 7 दिनों में इसकी पंपिंग की बात देखी जाए तो 7 दिनों में लगभग 11-12% की डाउनफॉल ये क्वाइन भी दिखा रही है। तो मार्केट का जो कंडीशन है वो अभी बहुत बुरा है। जो लोग लॉन्ग पोजिशन में ट्रेड करते हैं, फ्यूचर ट्रेड करते हैं, उनके लिए यहाँ पर लगभग 158 मिलियन डॉलर जो क्वान्टिटी है लिक्विडेट हो गई है सिर्फ और सिर्फ बाइनेंस पे। तो यहाँ से चांसेस हैं मार्केट के और नीचे जाने के। आपको 26,000 का लेवल भी दिखा सकता है मार्केट, और इसका सीधा रीजन है कि मार्केट से एकाएक वॉल्यूम जो है गायब हो गया है। बिटकॉइन इतना पंप किया था, 31,000-31,500 के लेवल पे गया था, लेकिन वॉल्यूम जो है उस तरीका का नहीं था। इसी का रीजन है कि मार्केट एकाएक सडनली जो है वो डंप कर गया। तो गाइस, ये तो हो गई मार्केट की बात। चलिए अब हम बढ़ते हैं फ्लॉकी इनू की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्लॉकी इनू में एक अपडेट आया हुआ है एक लिस्टिंग को लेकर। फ्लॉकी इज नाउ लाइव एंड ट्रेडेबल ऑन द पॉइंट पे एक्सचेंज, यानी कि पॉइंट पे एक्सचेंज है एक, उस पे फ्लॉकी इनू अब लाइव कर दिया गया है ट्रेडिंग के लिए। तो गाइस, फ्लॉकी इनू में लिस्टिंग हो रही है, यहाँ पे मार्केट में न्यूज़ भी आ रहे हैं, लेकिन जैसा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये क्वाइन जो है पंप करेगा, लेकिन पंप नहीं कर रहा है। क्योंकि एक टॉपिक भी मैंने आज लिया हुआ है कि फ्लॉकी वाई नॉट पंप, या फिर ऑल मीम क्वाइन वाई नॉट पंप। गाइस, सीधा सा उदाहरण है बिटकॉइन। जब बिटकॉइन पंप करता है तो सारे क्वाइन जो है वो पंप करने लगते हैं। जब बिटकॉइन डंप करता है तो बिटकॉइन की दोगुनी स्पीड से ये क्वाइन डंप कर जाते हैं। तो इसी का रीजन है कि मार्केट में अभी कुछ भी हो जाए, चाहे कितना बड़ा लिस्टिंग ही क्यों ना हो जाए, बेबीडोज में, फ्लॉकी इनू में, बिटगट में, किसी भी क्वाइन में, अगर जो बड़े बड़े एक्सचेंज पे भी लिस्ट हो रहे हैं क्वाइन, तो आप देख सकते हैं कि इसमें ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। इसका सीधा सा उदाहरण है मार्केट में अभी वॉल्यूम नहीं आ रहा है। तो इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, और एक लंबे समय के लिए इंतजार करना पड़ेगा। यदि आप मीम क्वाइन से कुछ अच्छा प्रॉफिट पाना चाहते हैं तो आपको तो गैस यहां पे रुकना पड़ेगा। ये मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूं। और आज की इस वीडियो में हम 4-5 ऐसे अल्ट क्वाइन आपके सामने लाए हैं जो कि आप इसको अगर जो होल्ड करते हैं तो बुल रन में आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। ये क्वाइन इंटरनली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं और इनको आपको होल्ड करना चाहिए। वैसे किसी भी क्वाइन में होल्ड करने के लिए आपको खुद की रिसर्च जो है जरूरी है, क्योंकि रुपए जो हैं वो आपके हैं और क्रिप्टो करेंसी मार्केट जो है वो रिस्की मार्केट है। यहाँ आपको प्रॉफिट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो गैज, यहाँ पे 4 क्वाइन मैंने लिया हुआ है। सबसे जो पहला क्वाइन है वो है XRP।
XRP क्वाइन का नाम आप सुने होंगे रिपल, इस पर अभी केस भी चल रहा है और फाइनली जब केस क्लियर होता है तो XRP की प्राइस जो है वो बहुत तेज़ी गति से मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, चाहे मार्केट में बुल सिचुएशन पकड़ी हो या न पकड़ी हो, क्योंकि लोग जो हैं कोर्ट के आदेश का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही इसके फेवर में न्यूज़ आता है तो XRP में आपको बहुत ज़बरदस्त पंपिंग देखने को मिलेगी और 2024-25 की बुल रन में ये क्वाइन ऑल टाइम हाई से काफ़ी आगे निकल सकता है। वहीं पर जो दूसरा क्वाइन मैंने लिया हुआ है ADA का नाम आप सुने होंगे, इसको कैराडोना भी बोलते हैं, तो ये क्वाइन को भी आप सजेस्ट कर सकते हैं, ये क्वाइन भी आपको जो है अच्छा प्रॉफिट दे सकता है, अपने पोर्टफोलियो में आप इसको भी रख सकते हैं। तीसरे क्वाइन की बात कर ली जाए तो यहाँ पे पॉलीगन मैटिक का नाम आप सुने होंगे, OX पॉलीगन, इसके संस्थापक जो हैं वो इंडिया से हैं संदीप जी, और इनका क्वाइन जो है आपको 2024-25 की बुल रन में इतना ज़्यादा प्रॉफिट दे सकती है, आप कभी एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे उस प्राइस को लेकर कि मैटिक जो है वो इस प्रकार का रिटर्न हमको दे सकता है। वहीं पे जो अगला क्वाइन मैंने लिया हुआ है पोल्का डॉट का आप नाम सुने होंगे, पोल्का डॉट को भी आप रख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, ये क्वाइन भी आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकता है 2024 की बुल रन में। ये जो चार क्वाइन मैंने आपको बताएं अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं आप यहाँ पे ट्रोन का भी सजेस्ट ले सकते हैं, ट्रोन को भी आप रख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, क्योंकि ट्रोन भी आने वाले समय में बहुत अच्छा प्रॉफिट देकर जा सकती है। अभी ट्रोन पे भी केस चल रहा है, इसका भी अगर जो केस क्लियर होता है तो ये क्वाइन भी आपको एक अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। तो ये कुछ क्वाइन थे अल्ट क्वाइन जो कि आप होल्ड कर सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए। तो गैज, ऐसे ही क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन आइकन को दबा सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्वाइन की नेक्स्ट अपडेट को लेकर, तब तक के लिए अपने दोस्त विकास को इजाज़त दीजिए, नमस्कार, थैंक यू।